रायपुर में मो साथ है कमल कमल सेन। आज एक दुकान आए हूँ मैं यहाँ और दुकान में मैं सोचे हूँ कि एक संदेश देना है समाज ला, तो ओकर पर मैं एक दुकान में दाढ़ी बनाए बर आए हूँ, बनवाए बर नहीं आए हूँ, बनाए बर आए हूँ। और ओके पीछे कुछ कारण है, एक ग्राहक है और एक जो है सेविंग में बनावा था, ओके पीछे मूल उद्देश्य कुछ समाज के है जो मैं बात करत करत आपके नाम का है हीरा सोनकर है, ग्राहक के रूप में है दुकान में। अब मैं एक जो है थोड़ा से जो है सेविंग करत हूँ, साथ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि वीडियो बनाए के मकसद क्या है। कुछ हिंदी कुछ छत्तीसगढ़ी में मैं बात अपना रखूँ मैं है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके पीछे ये है कि कभी भी हमारे समाज के लोग जो सेन नई समाज के लोग होते हैं, उन लोग अधिकतर जब अच्छे पदों पे चले जाते हैं तो अपने जाति को अपने समाज को छुपाने लगते हैं, जो बड़ा ही चिंताजनक बात है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है श्रीवास है, तो वो जब उच्च पदे पे चले जाते हैं, कई श्रीवास ऐसे हैं जो श्रीवास्तव बन गए क्योंकि उनको अपनी जाति छुपाने में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ना ही बताऊँगा लोगों को तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरी जाति का मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए जो है आज मैं यहाँ पे आया हूँ और अपनी कुछ बातों को रख रहा हूँ। मैं विधायक बन गया हूँ और विधायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर जी। उनके बाद 6 दशक के बाद कोई दूसरा नई विधायक बना है, वो छत्तीसगढ़ से, मैं वैशाली नगर विधानसभा से बना हूँ। और हमारे समाज में हमेशा जब भी कोई ऊंचाई पे जाता है तो कर्पूरी ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी जाति को नहीं छुपाया, बल्कि वो लोगों संसद में विधानसभा में बोलते हैं कि मैं नाई हूँ। और इस बात को लेकर मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ सैलून दुकान में, मुझे गर्व है कि मैं नाई जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं सेन समाज से हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो जितने लोग हैं, जो समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो लोग अच्छे पदों पे हैं, वो खुल के सामने आए। खुल के से जब सामने आएंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और अभी 3 लोग रायपुर में आत्महत्या किए हैं जो सबके सामने हैं, जिसमें पति पत्नी और एक बेटी पायल सेन जो है उसने भी फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, सब सामने है आत्महत्या किए। उसके पीछे मूल कारण जो समझ आया है वो ये समझ आया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। अब बताइए आप, हमारा सैलून का व्यवसाय होता है नाई समाज का सैलून का काम होता है। और सैलून में सीधी तरीके से अगर देखा जाए तो 50% कमाई होता है। और चिंता का विषय अब इसलिए हो गया है कि हमारे लोग नाई का काम नहीं करना चाहते, सैलून का काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको लगता है ये लोगों का मुंह पोछना पड़ता है, लोगों का हाथ पांव दबाना पड़ता है, लोग नाई जाति से हमको संबोधित करके हमको गाली देते हैं। लेकिन आप ये भूल गए हो कि सैलून एक सबसे बड़ा उद्योग है और हमारे समाज को आजकल दूसरे समाज के लोग, दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में आके या छत्तीसगढ़ से जाके दूसरे जगह पे जाके जो है इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है। मैंने इसीलिए 16 जनवरी को ऑडिटोरियम, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जो साइंस कॉलेज के बाजू में है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा हूँ, जिसमें रोजगार मेला 10 से 15 हज़ार रुपये तक की जो लागत, जिसको चाहिए 10 से 15 हज़ार रुपये जो मासिक चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट नौकरी का इंतजाम, जो महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हैं घर घर में उनका रजिस्ट्रेशन, ताकि उनको विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और अन्य केंद्र शासित योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ मिल सके, उसके लिए 16 जनवरी को मैं बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसमें देश भर से नई समाज के लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत लोग छत्तीसगढ़ से हैं और अन्य पूरे देश भर से इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को बताने का मकसद ही मेरा यही है, बनाने का मकसद ही यही है
कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, कई IAS ऑफिसर हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जुड़ा हूँ जो मेरे समाज के हैं, कई IPS हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग पदों में है, कोई नोएडा अगर रहते हैं तो नोएडा में आधी से ज़्यादा ज़मीन सेन समाज वालों की है। तो अपने समाज को आप भूलिए मत, अपने समाज के लिए आगे बढ़िए और लगातार आप अपने पहचान को ये बताइए लोगों को कि आप नाई समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, आप सेन समाज से हैं, ये लोगों को बताते रहिए। और आप अपने समाज को छुपाओगे, आप अपनी जाति को छुपाओगे, एक दिन आपको इसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब आप समाज में अपने बेटे और बेटी का विवाह करने निकलोगे तो उस समय आप जब बताओगे कि मैं श्रीवास्तव बन गया था, डर के मारे मैं तो श्रीवास था, मैं दूसरी जाति का सेन, कई लोग सेन बताते हैं, बंगाली बताते हैं अपने आप को कि मैं बंगाली समाज से हूँ, अपने आप को छुपाते हैं। लेकिन जब आप शादी करने जाएंगे बेटे बेटी की सबकी, और उस समय जब समाज में विस्तार खोजेंगे तो उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो इसलिए मेरा सब आपसे निवेदन है कि कोई भी अपनी जाति को ना छुपाए और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे। क्योंकि शासन की, केंद्र शासन की बहुत सारी योजनाएं हमारे समाज को लेके है। तो मेरा आपसे विनती यही है कि मैं आज देखिए 25 साल बाद अगर मैं अपने हाथ में अस्तूरा पकड़ा हूँ, मेरे को मालूम है कि इस वीडियो को जारी करने के बाद लोगों के नकारात्मक कमेंट्स भी आएंगे, मेरे को मेरी जाति को लेके लोग मेरा माखोल भी उड़ाएंगे, सोशल मीडिया में मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देंगे, लेकिन